आपको कैसे मालूम चला कि ये कोर्स पढ़ाया जाता है बीएचयू में? प्राउचर्स आया था बीएचयू की तरफ से। तो सीयूईटी से जब आप बीएचयू आए तो कितना नंबर आपका था? मुझे लग रहा है ना कि जीटी सबसे ज़्यादा की फैक्टर है। सीयूईटी में क्या डोमेन रखेंगे इस कोर्स के लिए? अरे हमारे बारे में आप क्या सोचते हैं भाई? फालतू के भी चीज़ डालते हैं जस्ट फॉर द व्यूज एंड यू नो एवरीथिंग। काफ़ी कॉन्फिडेंट है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है। लोग कहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में लोग पास कर जाते हैं और सेमेस्टर में फेल कर जाते हैं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा? अभी तक टू बी ऑनेस्ट जो पढ़ाया जा रहा है ना वो कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि एग्जाम में लैक कर रहा है, कि उस तरीके का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोगों को बिल्कुल नहीं कराया। मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में? हाँ ठीक है, बढ़िया है। ओके में पढ़ के क्या होगा फिर? ऐसे फालतू का जैसे आर्ट्स में लोग बिना रीजंस के भी जाते हैं, मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इससे पढ़ करके क्या फ्यूचर है, आगे क्या करेंगे? पैसा कमाने के लिए बस रुतवा चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। स्टार्ट कैमरा, वो लाल लाल चलने लगा है क्या? ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। पीछे देखिए ये इमारत जगमगाता और चमचमाता काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सेंट्रल लाइब्रेरी है। कई लोग एशिया का बड़ा लाइब्रेरी मानते हैं और बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी मानते हैं, लिखित तौर पे, कथित तौर पे ये लाइब्रेरी ऐसी कही गई है। और सामने लोग बैठ करके पढ़ाई करते हैं, तो सोच सकते हैं कि जो लोग यहाँ बीएचयू में आते हैं सबके लिए सुविधा है, यही इन्वायरमेंट है और यही मज़ा है। कहो भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? आदित्य झा। आदित्य, ये सब माहौल देख करके क्या समझ में आ रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, काफ़ी कूल माहौल है यहाँ पर, पीसफुल है एकदम। कूल बोले तो मतलब काफ़ी बढ़िया लगता है, अच्छा वाइब आता है यहाँ पर। अच्छा, कूल और पीसफुल में डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल डिफरेंस है, पर एक तरह से ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सिमिलर ही है। हमारे ऑडियंस को देख करके बताइए कि बहुत प्यारे लोग हैं, दे आर सो क्यूट ईच एंड एवरी वन। जितने भी अभी तक 6,500 सब्सक्राइबर जितने भी होंगे, एडवांस में बोल रहा हूँ, सभी लोग कूल हैं। तो उनके लिए हम एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। क्या नाम है कोर्स का? बीवोक इन बैंकिंग इंश्योरेंस एंड रिटेल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, अभी ये बीएचयू में नया स्टार्ट हुआ है 2021 में। आपको कैसे मालूम चला कि ये कोर्स पढ़ाया जाता है बीएचयू में? एक्चुअली जब हम सीयूटी के लिए अपेयर किए थे तो एक ब्राउचर्स आया था बीएचयू की तरफ से। अच्छा। तो उसमें ढेर सारा कोर्स का लिस्टिंग था कि जीटी लैंग्वेज लेने पे ये था, तो उस पर बैंकिंग था, टीएचएम था, ढेर सारे बीवोक कोर्सेज थे। तो उसे देख के लगा कि हाँ बीवोक है, लिया जा सकता है। बढ़िया है। तो मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में? हाँ ठीक है, बढ़िया है। ओके हाँ मज़ा ही आ रहा है। ओके में पढ़ के क्या होगा फिर? ठीक है, पर मैनेज कर रहे हैं। सीयूटी वाले हैं आप? हाँ सीयूटी। सीयूटी देकर के आए हैं बीएचयू में। क्या नाम है आपका? आदित्य झा। आदित्य झा, दोबारा नाम बता रहे हैं आप ना? दोबारा नाम बता के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कह रहे होंगे कि ये रिपोर्टर बार बार भूल जा रहा है ना? नहीं सही है। प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा बिल्कुल बढ़िया नहीं है, आप मेरे को पहले से जानते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सारा वीडियो देखे थे आपका। क्या छवि है आपके दिल दिमाग में मेरे लिए? काफ़ी कॉन्फिडेंट है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है और ठीक है, बढ़िया है। अभी ऐसा एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं आप? हाँ सही है, ऊपर से नीचे तक देख करके जवाब दे रहे हैं। चलिए, सीयूईटी का ये जो बैंकिंग वाला कोर्स है हम इसको रिव्यू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सीयूईटी में क्या डोमेन रखेंगे इस कोर्स के लिए। तो इस कोर्स के लिए सिर्फ जीटी और लैंग्वेज चाहिए, लाइक बीए के लिए नॉर्मल चाहिए होता है। हाँ जो बीए के लिए नॉर्मल चाहिए होता है इसमें वही है। अच्छा, वीवॉक में आप एप्लीकेशन, ये रिटेल मैनेजमेंट बैंकिंग इंश्योरेंस एंड रिटेल मैनेजमेंट में आप एडमिशन लेने, बहुत बड़ा ये कोर्स है तो हम इसको सिर्फ रिटेल मैनेजमेंट बोलेंगे बार बार। तो सीयूईटी से जब आप बीएचयू आए तो कितना नंबर आपका था कि आपको ये वीवॉक रिटेल मैनेजमेंट मिल गया? वैसे मेरा प्लान तो मतलब बीए एलएलबी का था, तो बीए एलएलबी में हो नहीं पाया, फिर सोचे बीए इकोनॉमिक्स मिल जाए, तो उसमें भी नहीं हो पाया, फिर ये ऑप्शन बचा था, मतलब ठीक लगा तो फिर इसमें ले लिया। 261 मार्क्स था मेरा। 261 आउट ऑफ 400 हमको लगा 361 होता तो आपको सारे सब्जेक्ट मिल सकते थे ना? वो बीए के मिल जाते। हाँ बीए के, मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर 400 में से आपका 350 के ऊपर रहता तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती, आप टॉप भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल पहले राउंड में आपका हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप जब यहाँ पे बीएचयू आए तो किस राउंड के कट ऑफ में आपको बुलाया जाता है, कौन से राउंड में वीवॉक का एडमिशन स्टार्ट होता है? राउंड में मतलब वही स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग तो टॉप मार्क्स वाले को मिला था, जैसे 300 वाले उस ऊपर भी, लेकिन धीरे धीरे लो हो गया, जैसे 270 पे आया, फिर 60 पे आया। अच्छा पकड़िए, पता नहीं क्यों मन नहीं आजकल मेरा लग रहा है रिपोर्टिंग करने में। हाँ क्या किया, थोड़ा नया कुछ ट्राई करिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे बाहर घूम के कहीं से आना चाहिए, कुछ दिन ब्रेक देना चाहिए। हाँ बढ़िया, मेट्रो सिटी चले जाइए, वहाँ का एक्सपीरियंस लीजिए। क्या करूँगा वहाँ जा करके?
बहुत कुछ कर सकते हैं मतलब एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर करें। कितनी सीट है आप लोगों के कोर्स में? वैसे 60 सीट है पर 58 स्टूडेंट है पूरा टोटल स्ट्रेंथ है। दो लोग छोड़ दिए कि लिए ही नहीं एडमिशन? मतलब कुछ लोग छोड़ दिए, दो लोग एडमिशन नहीं लिए। नहीं लिए? हाँ हाँ। तो और क्या खासियत क्या है, क्या पढ़ाई करेंगे इसमें? इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट है, एक कम्युनिकेशन स्किल है, बैंकिंग इंश्योरेंस जो मेन सब्जेक्ट होता है, एक मैनेजमेंट है और एक आईटी है और एक है रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट भाई हैं? हाँ, ये मेरा क्लासमेट है। मिलवाइए इनसे, अब हमारे ऑडियंस से। शिवम? शिवम, यस शिवम। क्या कुछ पूछिए शिवम से आप? लेट कहाँ कर दिए इतना? लेट क्यों किए, कल एग्जाम है बताओ। एक्चुअली मैं जहाँ था वहाँ भी पढ़ ही रहा था। पढ़ रहे थे? बिहार से हैं आप? हाँ भैया। बिहार से है ना? हाँ जी। तो क्या पढ़ रहे थे, कल किसका एग्जाम है? कल मैनेजमेंट किया। मैनेजमेंट? हाँ जी। पेपर का पूरा नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो किस तरीके का, अभी कौन सा टॉपिक पढ़ के आए हैं आप? बस वही स्ट्रेटजी ही पढ़ रहा था। स्ट्रेटजी पढ़ रहे थे, कुछ हमको भी बताएंगे स्ट्रेटजी, मैं भी सोच रहा हूँ। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है ना, एक तो मैनेजमेंट नॉर्मल है और ये डेली लाइफ में हर आदमी को यूज करना पड़ता है। अच्छा। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में क्या हो जाता है ना, इसमें दूसरों, एक तो ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लिया जाता है और दूसरों को, ओपोनेंट को देख के भी डिसीजन लेते हैं। जैसा एक शॉर्टेस्ट एग्जांपल जो सबको बिलीव हो सकता है, आईपीएल में आप देख सकते हो सीएट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि अपोनेंट को भी देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, दूसरा देख रहा है कि हम लोग कहाँ पे हैं, तीसरा देख रहा है कि हमारा गोल क्या है, उसके अनुसार डिसीजन लिया जाता है। अच्छा। तो वो हो गया स्ट्रेटेजिक, और नॉर्मल ही है मतलब आईपीएल से रिलेट करके बताए तो सब जान ही सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं इनको, लगाइए माइक। तो क्या बोल रहे हैं सर? नहीं, पूरा कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है स्मूथ वे में गोल अचीव करने के लिए, वही मतलब मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। तो इससे पढ़ करके क्या फ्यूचर है, आगे क्या करेंगे? ऑब्वियसली एक जॉब बेस्ड का है तो इंडस्ट्री के लिए हम लोग रेडी हो सकते हैं। इंडस्ट्री के लिए? सभी विभाग वाले इंडस्ट्री के लिए रेडी हो रहे हैं ना एकदम? और हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो ये माइक पकड़े हैं ये सब, हम लोग भी तो इंडस्ट्री के लिए रेडी हो रहे हैं। हाँ, आप किस तरीके से रेडी हो रहे हैं? हम लोग एक ऑब्वियसली मैनेजमेंट कोर्स है तो मैनेजमेंट के लिए ही हो रहे हैं। अच्छा। जैसे एक आप लोग एमबीए को जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो इसको भी देख सकते हो, जूनियर एमबीए, एक जूनियर एमबीए नहीं कह सकते हो तो बैचलर से तो जूनियर ही है। जूनियर ही? हाँ, जूनियर ही है तो मैनेजमेंट ही है। और विवोक में मेनली लोगों क्या करते हैं ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप आर्ट्स ले रहे हो ना तो पहले तो डेस्टिनेशन फिक्स करो। आर्ट्स आपको जो करना है करो, उसका तो नहीं पता है मुझे, लेकिन अगर विवोक में आना है ना तो पहले आप फ्यूचर देखो, आपका विज़न क्या है। अगर आपको एमबीए करना है, मैनेजमेंट में जाना है, फाइनेंस में लाइफ बनाना है, रिसर्च करना है उस पर, तो आप इसमें आ सकते हो। ऐसे फालतू का जैसे आर्ट्स में लोग बिना रीजंस के भी जाते हैं, मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। टोटल ये बता रहे थे 60 सीट है, उसमें से 62 तो उसमें से हमको लगता है 50% लोग यूं ही एडमिशन लिए होंगे कि उनका कोई मोटो नहीं, उनको मालूम ही नहीं रहा होगा कि पहले ऐसा कोर्स है। यहाँ पे 30 यहाँ पे ऐसे हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि वो बीएचयू का टैग के रीज़न है। और 50 और बाकी जो 50% है उसका तो एक मोटिव होता है मुझे इसमें काम करना, जैसे मुझे एमबीए करना था मैं इसलिए आया, बस वही एक रीज़न ही था। अच्छा। दूसरा कोई रीज़न नहीं था, इसका भी था, इसको एमबीए करना था तो इसमें आ गया। एमबीए करना था, बाद में प्लान बनाया, वैसे तो ये मेरा बैकअप था। एमबीए क्यों करना है? एमबीए क्योंकि ये बैंकिंग कोर्स है तो एमबीए फाइनेंस करना है, ग्रोथ, करियर ग्रोथ, ऑब्वियसली करियर ग्रोथ के लिए। या और आपको एमबीए क्यों करना है भाई साहब? ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बस बस वही तो सारा चीज़ है दुनिया में जहाँ तक मुझे लग रहा है। पैसा कमाने के लिए बस रुतबा चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पैसा कमाने के लिए डिग्री नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। अतीक अहमद बनेंगे आप क्या? नहीं, आप देखो ना, जैसे मेरे जान पहचान में ऐसे बहुत सारे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन वो सच में ईयर में करोड़ का टर्नओवर उनका हो रहा है। स्किलफुल हैं? हाँ, स्किलफुल है मतलब वो एक्सपीरियंस से ही उनको हुआ है। हाँ, टाइम लगा है और कष्ट भी हुआ है तब वहाँ जाके हैं वो। ये सब चीज़ पिताजी से मत बोलिएगा। नहीं, मैं मेरे पिताजी बहुत वो हैं, वो एकदम मानते हैं मेरे को, एकदम मतलब जो फ्रिक्वेंट है मैं जो भी बोलता एग्री करते हैं आपके साथ, आप जो भी इन्जॉय भी करते हैं साथ। अच्छा, तो बताइए, इनसे मैं बोल रहा था कि मेरा मन नहीं लग रहा है आजकल माइक उठा करके रिपोर्टिंग करने का, बाहर निकलने का, पब्लिक में घूमने का, पता नहीं क्यों एक अलग तरीके का कुछ डेवलप कर रहा है और आप मुझे बहुत खुले खुले भी लग रहे हैं। मतलब मेरे लिए कुछ सजेस्ट करिए, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ दिन का ब्रेक लेना चाहिए कि कंटिन्यू करना? नहीं, आपको सबसे पहले, अब थोड़ा जहाँ तक मुझे लग रहा है आप तो इसमें बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, मैं तो पहली बार छू रहा हूँ इसे, तो पता नहीं है सही है नहीं है, लेकिन एज ए छोटा भाई सजेस्ट करूँगा ना, पहले आप थोड़ा देखो कि कमी कहाँ पर क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ ना, तो आर्ट्स के लोग, आर्ट्स में यहाँ देखो सीट्स ज़्यादा है, तो अगर मैं रिश्तेदार का प्रोबेबिलिटी देखूँ ना, तो अगर लोग मेरे को बीएचयू से आर्ट्स के स्टूडेंट मिलने का चांस ज़्यादा होता है तो वहाँ से डाटा आ रहा है। दूसरा, बहुत सारे आर्ट्स के बताने वाले हैं, दो हो गया।
लेकिन अगर विवोक को देखो ना तो यहाँ पे डाटा कम है, और ये डाटा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे 1-1.5 लाख आप फी दे रहे हो, 3-4 लाख भी है होटल मैनेजमेंट का, आप उतना फ़ी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? इसके लिए प्रॉपर रीज़न चाहिए, और BHU में मिडिल क्लास फैमिली ही होती है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन जितना हो सकता है हम लोग दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट को लेकर नहीं दे सकते हैं फिर वहाँ पे, लेकिन डाटा दे सकते हैं हम साउथ कैंपस का, तो वो थोड़ा कमी है। BHU में विवोक के बारे में नॉलेज का बहुत कमी है, हम लोगों को भी दिक्कत हुआ। बस एक सजेशन है कि विवोक के ना पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो वो खुद देख सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सारा चीज़ के बारे में, बाकी एक प्लेसमेंट का इन्फॉर्मेशन बचता है क्योंकि सेकेंड बैच है तो उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो साउथ कैंपस से है, इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं लेकिन डाटा वहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो एक बंदे को ना एक आइडिया आ जाता है कि अच्छा चलो यहाँ तक हो सकता है, साउथ कैंपस में हो रहा है तो यहाँ पे भी होगा। तो कितनी फीस लग रही है आप लोगों की? हम लोगों का फर्स्ट ईयर 40,000, सेकंड ईयर 35 एंड थर्ड ईयर 35। अच्छा कम हो जा रहा है फिर, 10,000 रुपये कम हो गया। 5-5, 40, 35, 35। तो क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक? एक सेमेस्टर बीत चुका होगा, कितना सेमेस्टर बीता? हाँ हाँ बस एक बीतने ही वाला है, एक बीतने ही सब में अगर पास कर जाए तो। पास कर जाए ऐसा भी डर है क्या? नहीं नहीं नहीं, बस मैंने एक आउटपुट बताया कि इस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही आप बोलोगे ना। लोग कहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में लोग पास कर जाते हैं और सेमेस्टर में फेल कर जाते हैं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा? नहीं वो तो कभी नहीं होने वाला है, चल ही रहा है, लास्ट एग्जाम हम लोग का। अच्छा तो अब देखिए क्या होता है बाकी। टोटल कितने पेपर हो रहे हैं सेमेस्टर एग्जाम में? वही 5 सब्जेक्ट है, 5 पेपर है और 2 वाइवा भी है। जो हम लोगों का कोर जो है ना बैंकिंग एंड रिटेलिंग, उस दोनों का है वाइवा। वाइवा में आप तो 4 डालेंगे। अब देखिए पहले बात तो ये है ना कि अभी तक टू बी ऑनेस्ट जो पढ़ाया जा रहा है ना वो कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि एग्ज़ाम में लैग कर रहा है, कि उस तरीके का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोगों को बिल्कुल नहीं कराया। और अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाते हैं ना तो हम लोग को बस 1 साल का है, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया प्रोफेसर अपॉइंट किए गए हैं, उस गुणवत्ता के प्रोफेसर हैं कि नहीं? सही से गुणवत्ता के प्रोफेसर तो हैं, कुछ हैं, 2 रिसर्च वाले भी हैं, लेकिन रिसर्च वाले को जो पेपर दिया गया है ना पढ़ाने वो इजी है, और हम वो बिना पढ़े भी हम लोग जान सकते हैं। जो कोर है ना उसके लिए प्रोफेसर हैं तो ऑब्वियसली वो नॉलेजबल हैं, लेकिन वो और ज़्यादा दे सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा, क्योंकि हम लोगों को वही तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, एक है, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 1 साल पहले का है उसका पैटर्न चेंज हो चुका है। ओके हाँ, तो थोड़ा दिक्कत उसमें आ रहा है हम लोगों को। अच्छा, ये जो वी वॉक कोर्स लेने वाले लौंडे हैं। हाँ सही है भैया, हम भी यही बोलते हैं, लौंडे बंदे, सॉरी यार मुंह से निकल गया। वी वॉक कोर्स लेने वाले जितने भी लड़के हैं, चलिए वो भी सही है, एक शब्द है, कुछ गाली तो है नहीं हमारा, नहीं नहीं ये नॉर्मल है बनारस में, ठीक है। तो उनको कोर में भी कोई सब्जेक्ट मिलता है कि सिर्फ वी वॉक ही 3 साल पढ़ना होगा उनको? कि कुछ जैसे हमारे में क्या होता है, मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री और हिंदी मिला था मुझे। हाँ। आप लोगों को कैसे अलॉट हुआ है कोर में? तो होता है क्या जैसे बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाऊँगा लेकिन अच्छा ही बता सकता हूँ। इसमें ये चीज़ें हैं ना कि जैसे मेरा बैंकिंग और रिटेलिंग है तो ये 3 साल पढ़ेंगे, और सेकेंड पेपर जो या थर्ड पेपर जो हम लोगों का हो जाता है ना वो कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो हो सकता है 6 सेमेस्टर जाते जाते ये दोनों हट जाए लेकिन बैंकिंग और रिटेलिंग रहेगा, तो वो एक तरीके का कोर हो जाता है। अगर आप एग्री बिजनेस में भी देखोगे ना तो वो उसका रहेगा, बाकी उसमें भी कम्युनिकेशन है, उसमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो कॉमन आ रहा है, 2-3 चीज़ें इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रही है। हाँ, तो इसे पता चलता है कि कोर है फिर तो कॉमन आ रहा है। हमारे ऑडियंस बोल रहे होंगे कि सब इधर देख करके बातें कर रहे हैं, इधर तो देख ही नहीं रहे मेरी तरफ, क्या लग रहा है हमारे हमारे बारे में आप क्या सोचते हैं भाई? एक्चुअली सबसे देखिए भैया होता है ना कि बहुत लोग इंफॉर्मेशन तो सब देते हैं लेकिन एक सटीक फालतू का कुछ नहीं देना है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो फालतू के भी चीज़ डालते हैं जस्ट फॉर द व्यूज़ एंड यू नो एवरीथिंग, लेकिन आप में क्या ना आप एक रिलेटेड कंटेंट डालते हो इन्फॉर्मेशन बेस्ड, उसके अलावा कुछ नहीं डालते, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, एकदम फैक्ट रहता है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं भैया कि फालतू का कुछ नहीं डालते। यहाँ पे तो देखते हैं धरना और उधर भी वीडियो बना के लोग डाल रहा है, बहुत धरना छोड़ देते हैं हम लोग। नहीं वो सही, आप लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे तो बहुत सही चीज़ है, एक ऑथेंटिक चीज़ है, लगता है एक प्रोफेशनलिज्म आगे बढ़ रहा है, एक सही तरीका आगे बढ़ रहा है। तो हमारी कोई ना कोई कमी मैंने बताया ना, आपका विवोक में थोड़ा कम डाटा है, और हर विवोक के बारे में ना आप डाटा थोड़ा दो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कोई 1-1.5 लाख ऐसे खर्च नहीं करेगा, उसमें भी 1-1.5 लाख लोगों को लगता है कम है, BHU के लिए कम नहीं है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फिर 1-1.5 लाख लिया जाता है, उतना में बीटेक कर सकते हो बहुत सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल यहाँ BHU से बीटेक कर सकते होते पैसे में। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए वही है ना कि उसमें अगर 1 लाख दे रहा है तो पहले तो तुम ये देखो कि देने से क्या फ़ायदा है, ऊपर से दूसरा चीज़ तुम ये भी देखो अगर मेरा विज़न आगे मैनेजमेंट में जाना है तो आओ इधर, नहीं तो फालतू का हमको ये करके और फिर हमको कुछ बिजनेस करना है तो वो उसमें थोड़ा आ सकते हो बिजनेस रिलेटेड में, या इसमें जाके रिसर्च में जा सकते हो, अगर फिनांस बनाना है तो आ सकते हो, यही 2-4 चीज़ है इसमें आ सकते हो। एक चीज़ गुरु और बताने की कोशिश करिए आप कि ये जो GT होता है, लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं GT के लिए और उन्हें अच्छा नंबर लाना है, और GT और लैंग्वेज दो ही तो मूल चीज़ है जिससे हम BHU में एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ तक भैया मुझे लग रहा है ना कि GT सबसे ज़्यादा की फैक्टर है,
आप अगर बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सिर्फ जीटी के नंबर पे ले रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में भी वीवोक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में भी वीवोक है, लेकिन वहाँ पे वो इंग्लिश लैंग्वेज कुछ नहीं ले रहा है, वो सिर्फ जीटी का टेस्ट ले रहा है, उसका नंबर ले रहा है, तो वो जीटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे तैयार करें उसको? सबसे पहले तो उसमें बहुत वास्ट पोर्शन है ना, तो करेंट अफेयर्स की अगर बातें करें तो करेंट अफेयर्स जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, लोग एक साल पीछे पढ़ लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक से दो महीने का पढ़ लो, और अगर उस पर भी बाद में टाइम दो, मतलब आप वन शॉट वीडियोस देख लो एक महीने का, और डे बाय डे करंट अफेयर्स मुझे नहीं लगता वो कुछ ज़्यादा आउटपुट देने वाला भी है। उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होता है मैथ्स और रीजनिंग, और मैथ्स क्वांट्स में पूछा जाएगा वही सब नॉर्मल पढ़ते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही सब पूछा जाता है टेंथ तक का, तो वो और रीजनिंग ये मुझे लग रहा है 70-80% यही कवर करता है। बिल्कुल। उसके अलावा करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन तो मैंने बताया दिया, आप वन शॉट वीडियो देख लो। तो जीटी और लैंग्वेज के माध्यम से हम बहुत जगह एडमिशन ले सकते हैं। इसके पहले अभी कैमरा बंद हो गया था, तो शायद फिर से हमने री रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है, और हम बातें करने वाले हैं कि इसको वीडियो को कैसे जल्द से जल्द ख़त्म करें। कहो भाई साहब, इतना कॉन्फिडेंस आप में आया कहाँ से? पता नहीं यार कहाँ से आ रहा है, लेकिन ओब्वियसली मैं शाहरुख खान को फॉलो करता हूँ, शाहरुख खान को, जो कि बिगेस्ट मोटिवेशन है, मेरे पापा खुद मेरे लिए भी बहुत बड़े मोटिवेशन है, और तो कहीं ना कहीं उसको फॉलो करता हूँ ना, तो रोज़ मैं 4-5 अभी तो मोटिवेशन आ रहा है रिंकू सिंह से, आप देख सकते हो, मोटिवेशन ऐसा चीज़ आप कहीं से भी ले सकते हो, ऑब्वियसली कहीं से ले सकते हो, 5 बॉल में 5 छक्का उस वो मोटिवेशन से ज़्यादा वो करके वो आया कहाँ से है, वो ज़्यादा मोटिवेशन है, नीचे से ऊपर इतना नीचे से वो वहाँ गया, जो कि अब तक पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, कोई नहीं 5 बॉल में 5 छक्का मारा है पूरा इतिहास में, क्रिकेट का इतिहास में। और लोग कहते थे कि वो प्यून का कहीं जॉब करता था क्या? सफाई सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं, वो उसके पापा करते हैं, वो सफाई का उसको काम मिला था, कोई कोचिंग में सफाई करते थे। बताइए, एक्सपोजर इतना बढ़ गया है, छोटे छोटे लोग इतने ऊपर जा रहे हैं और इतना बेमिसाल काम कर रहे हैं, अपने मतलब ये अपने हुनर से आगे बढ़ा है वो लड़का, अगर वो 5 छक्के नहीं मारा होता तो कौन आगे बढ़ता, और उसका फिर से बंद हो रहा है क्या? तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि देश में काफ़ी एक्सपोजर है, और BHU में भी है। ये BHU का एक छोटा सा कोर्स था, कोर्स का नाम फिर से बताइए तो। BHU बैंकिंग इंश्योरेंस एंड रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट ये CUET के थ्रू UG यहाँ पे कराया जा रहा है BHU, और मास्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है, चलेगा मास्टर्स भी? हाँ, MBOK भी हो रही है यहाँ, MBOK भी होगा। तो ये सब कोर्सेज नए खुले हैं और गत वर्षों से ये चल रहा है, और छोटे में तुरंत CUET में कितना लाए थे 400 में से? 280, और आपका 251। जनरल कैटेगरी, तो इससे वो लोग एक अप्रोक्स लगा सकता है, अप्रोक्स लगा सकते हैं। सबसे कम नंबर कितना लाएंगे CUET में वो GT और लैंग्वेज वाले, तो यहाँ BHU में VWOG में एडमिशन मिल जाएगा। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, यहाँ लैंग्वेज का 50% ही नंबर लिया जाता है, तो लोगों को होगा 500 में क्यों नहीं बोल रहा है, यहाँ 400 ही होता है, 300 इसका और जनरल उसका, जनरल टेस्ट का 300 और इंग्लिश का या हिंदी का जो भी लैंग्वेज आप लो उसका 50% होता है, तो 400 में बनता है, 400 में आप 2.5+ रहो तो हो जाएगा। हालांकि कट ऑफ थोड़ा बढ़ भी सकता है इस बार, जैसे कि आप इस बार संख्या बढ़ रहा है, और बाकी जनरल हो तो थोड़ा ध्यान उसमें तो रखना ही होता है इस बार, और बाकी EWS का भी कट ऑफ बहुत है नहीं है, तो उस लेवल से प्रिपरेशन कर सकते हैं लोग। चलिए, इतना स्मार्ट है, वीडियो को समाप्त कैसे करें, आउटरो? वीडियो को समाप्त, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन मिला तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ही, और बाकी ऑथेंटिसिटी तो आप देख ही सकते हो, कितने प्रोफेशनलिज्म, एक कोई स्पैम वाला चीज़ नहीं रहता है, और इसलिए मैंने अपने पापा के जब मैंने सिलेक्शन हो गया यहाँ पे, सिलेक्शन करके आया फी वो करके कंप्यूटर से कैफे से, फिर मैंने पापा का यूट्यूब चैनल लिया, क्योंकि इनको बहुत पहले से फॉलो करता था मैं, तो फिर पापा का यूट्यूब चैनल से भी सब्सक्राइब कर दिया, ताकि उनको भी पता चलते रहे, और चूँकि आज मुझे वो देख भी सके मैं भी पॉसिबल, वो देखेंगे बस 4-5 ही सब्सक्राइब करके रखेंगे, विकास दिव्या कीर्ति सर, खान सर, आपका बहुत ज़्यादा हम करवाते नहीं हैं, एक ऑथेंटिक चीज़ को करवाते हैं जो कि सही लगता है बस मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, और हम इस कोर्स पे फिर से दोबारा कोई काम करेंगे, और जब भी कोई इतनी तारीफ़ करता है मेरी तो मुझे समझ में आता है कि मैंने क्या किया, और कभी कभी मैं उतना मोटिवेट भी अपने आप को खुद को नहीं कर पाता हूँ। बात बिल्कुल सही है कि मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, ठीक है, लगता है कि आज हमें कल सुबह फिर से उठ करके कुछ काम करने की ज़रूरत है, एक मलाल रह जाता है अगर मैं दिन भर बाहर नहीं निकलता हूँ तो, और सारे सब्सक्राइबर, सारे करोड़ों व्यूज़ और इतने तारीफ़ मैं भूल जाता हूँ, जब दिमाग में मेरे प्रेशर तो नहीं होता, जब आप लोगों के कमेंट आते हैं और हम काम करने निकलते हैं। द स्टूडेंट लाइफ का मोटो लोग पूछते हैं कि क्या है मोटो, कैसे काम करती है, क्यों आपने चैनल बनाया, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जिनको समझाने की, एक दिन लाइव आऊँगा अच्छे से बताऊँगा। तो ये रहा पूरा VWOG कोर्स का एक रिव्यू, और भी हमने सारे VWOG कोर्सेज के रिव्यू किए हैं, BHU में भी बहुत ढेर सारा काम किया है। मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी शांत तरीके से, और प्यार दुआ आशीर्वाद देते रहिएगा। एक बार
सब्सक्राइब बटन पे चूम दीजिए एक बार जा करके, वो माथे पे जैसे लोग चूमते हैं ना, एक माँ होती है, एक बहन होती है जो अपने भाई के माथे पे, तो प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़ें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में डायरेक्टली बोला ना कि जो ऑथेंटिक चीज़ें, या फालतू का वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप लोग ऑथेंटिक चीज़ें देते, इसलिए मैंने पापा का यूट्यूब चैनल खोला, वहाँ पे आपका सब्सक्राइब किया। इसको कंक्लूड करते हैं फटाक से।